गाजा में चल रही बमबारी के बीच पुतिन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर से लैस बुलावा मिसाइल का परीक्षण कर नई खलबली मचा दी है। कहा जा रहा है कि पुतिन की इस बुलावा मिसाइल के टारगेट पर एक नहीं बल्कि तीन देश है। यही बात ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बाद नेतन्याहू को परेशान कर रही है। पुतिन के न्यूक्लियर बुलावा का बवंडर पानी वाली मिसाइल से पुतिन करेंगे विनाश। पुतिन का मोस्ट डेंजरस हथियार फायर। एक बुलावा तीन शिखर। पुतिन ने अपने हथियार भंडार से अब वो निकाला है जिससे तबाही की कहानी इतिहास ने ना कभी देखी ना कभी सुनी है। रूस ने अपने हथियारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हथियार शामिल किया है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी से परमाणु शक्ति संपन्न बुलावा मिसाइल दागकर रूस ने सफल परीक्षण किया है। ये बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। रूस की परमाणु चालित पनडुब्बी इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागना टेस्ट का अंतिम चरण है जिसके बाद इसे नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। रूस की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिसाइल रूस के उत्तरी तट के पास सफेद सागर में पानी के नीचे लॉन्च की गई। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल ने रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद कामचटका प्रायद्वीप पर एक टारगेट पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और टारगेट को हिट किया। वॉशिंगटन DC से लेकर कीव तक, तेल अवीव से लेकर मिस्र तक खौफ का नया माहौल पैदा हो गया है। बुलावा मिसाइल की बात करें तो ये 12 मीटर लंबी है जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। रूसी नौसेना की ये एक बड़ी ताकत है। छह न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की तबाही, और जाहिर है ये शहर सिर्फ यूक्रेन के नहीं होंगे, इसकी जद में अमेरिका के शहर भी हैं। रूस ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करके पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ये मिसाइल रूस का सबसे खर्चीला हथियार कार्यक्रम बताया गया है। बुलावा मिसाइल की ताकत रूस को इस क्षेत्र में अभेद बनाती है। बुलावा मिसाइल जिस नई पनडुब्बी से लॉन्च की गई उसकी डिटेल समझनी भी बहुत जरूरी है। इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 नई बोरेई श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी में से एक है जो 16 बुलावा मिसाइलें ले जा सकती है। नौसेना के पास बोरेई क्लास की 3 परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। एक का परीक्षण पूरा हो गया है, 3 अभी निर्माणाधीन है। रूस ने बुलावा की फायरिंग का वक्त नहीं बताया, लेकिन जब आप इस बुलावा मिसाइल की खासियत जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वक्त किन देशों का खराब हो सकता है बुलावा फायर होगी तो, क्योंकि कहा जा रहा है एक बुलावा का 3 शिकार है। पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा यूक्रेन। इजराइल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों में हमास ने अड्डे बना रखे हैं, इसलिए वो आसपास हमास के अड्डों को टारगेट कर रहा है और इन हमलों में आम आदमी की भी मौत हो रही है। तो वहीं फिलिस्तीन इसे खुद का नुकसान बता रहा है।
Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital, then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough that we exposed the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. इन्हीं अस्पतालों के बीच इसराइल की बमबारी तेज हो गई है। इसराइल अब इन अस्पतालों के आसपास लगातार बमबारी कर रहा है। ऐसे ही कई हमलों के बाद हमास ने भी जवाबी कार्रवाई की और उत्तरी इसराइल में कई शहर उसके टारगेट बने। रात हो या दिन, 2400 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडीएफ के, और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इसराइल की तरफ, और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रही है। इस समय देख सकते हैं आप उत्तर गाजा में शायद जबालिया या बेट हनून है, उसी का इलाका है, उसी के आसपास का। वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है, धमाके लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ। और एक ही नहीं, उसके बगल से एक दूसरा गुब्बार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है। हमास के रॉकेट को रोकने का दबाव बहुत ज्यादा है, और अब हिजबुल्ला की तरफ से भी जो प्रेशर आया है उसे इसराइल का आयरन डोम भी नहीं झेल पा रहा। इस वीडियो को देखिए जिसमें आयरन डोम से निकली मिसाइल फेल हो गई और लौटकर वापस इसराइल में ही आ गिरी। इस वीडियो से पता चलता है कि अब आयरन डोम बहुत ज्यादा दबाव में है। आयरन डोम 2400 घंटे काम कर रहा है, लेकिन ये भी एक मशीन है और मशीन भी थक जाती है। रॉकेट हमलों के बीच इसराइल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के अड्डे बने हुए हैं, जहां हथियारों से लेकर फ्यूल सब कुछ छुपा कर रखा जाता है, लेकिन इसराइल अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। हमास इज हाइडिंग बिहाइंड हॉस्पिटल्स, हमास इज सिकली एक्सप्लॉइटिंग हॉस्पिटल्स टू डिस्गाइज इट्स वॉर मशीन। आवर वॉर इज विथ हमास, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat. इजराइल का पक्का इरादा है कि गाजा को हाफ कर दिया जाए और फिर हमास को 100% साफ कर दिया जाए।